रेस्पेक्टेड बैठे हो क्या गोष्ट? हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो सब? हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। चलो चलो दादा, डाल दे लिंक, डाल दे दादा लिंक, डाल दे। रुक, मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। लाइव हुआ दादा? हेलो 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 दादा, वॉइस आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं? देखता हूँ स्ट्रीम में वॉइस आ रहा है कि नहीं मेरा। मैं लिंक दे दिया हूँ, लिंक को फॉरवर्ड कर दे। लिंक को फॉरवर्ड कर दे, मैं दे दिया हूँ लिंक। अरे स्ट्रीम में वॉइस नहीं आ रहा क्या मेरे? देखो स्लो आ रहा सर था वॉइस मुझे थोड़ा, मेरा पता नहीं क्यों। अभी आ रहा है वॉइस मेरा? हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है ना अभी क्लियरली? दादा वॉइस आ रहा है ना क्लियरली अभी मेरा? चलो 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 चलो, डाल दे, मैंने ग्रुप में डाल दिया उसको, डाल दे लिंक, डाल दे उस पर व्हाट्सएप में। मैंने लिंक डाल दिया ग्रुप में, उसको डाल दे जाके डिस्कॉर्ड में। कौन कौन है, कौन कौन है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है गाइस? हेलो हेलो हेलो, कुछ भी देख रहा है? हेलो, देखते हैं। 63 बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी जल्दी कीजिए गाइस, वी विल बी स्टार्टिंग इन 2 मिनट्स। जल्दी आ जाइए, जल्दी 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 आ जाइए। टीटीन आ चुका है, पुणे आ चुका है, टीम मैनेक्स आ चुका है। गाइस आज थोड़ा मस्ती करते हैं, आज मस्ती मारने का मन कर रहा है बहुत। चलिए चैट में जो भी हैं, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, हैप्पी फ्राइडे बॉयज। पुष्पित पल्लव, हेलो, हाय ब्रदर, कैसे हो पुष्पित? क्या मेरा लाइव हो रहा है? देखना, 6 वॉचिंग आ रहा है मेरा भाई, 7 का वॉचिंग आ रहा है मेरा। मैंने लिंक दिया है, थोड़ा चेक कर लिंक को जाके। लिंक मैंने लिंक दे दिया ऑलरेडी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको डाल दे वहां पे। चलो बॉयज लेट्स गो, आज खेल रहे हैं हम वीकेंड डी ए सी स्क्वाड।
आज यहाँ पर ट्रिप्पी आ चुके हैं, यहाँ पर टीम V4 फेंडर, V4 आज नया क्लैन देखने को मिलेगा आपको, V4 का हमने देखा नहीं अब तक, शायद नया है अभी। चलिए साहिबा, और तो जितना देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे क्लैन है। और ये अल्फा कैन F39 TD वो लियो MVP, यहाँ पे MVPS, इट इज़ ए न्यू न्यू स्क्वाड, MVPS न्यू स्क्वाड है। ओके पुष्पित पल्लव, MVP वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। MVP और स्टार्ट हो चुका है अभी हमारा, वीकेंड ही स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं, टडंग 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 टडंग। और ये धुआं धुआं माहौल, 63 बंदे, नहीं ये मजाक हो रहा है, इतने कम बंदे क्या हो गया, काहे को इतना कम बंदे, काहे कहाँ गए सब बंदे। और यहाँ पे 66 बंदे लॉबी में, वीकेंडी के अंदर उतरने वाले हैं, बर्फ गोला से खेलने वाले हैं, देखते हैं आज प्लेन कहाँ से जाता है, पानी आधा पानी में ना बन जाए जोन, लेट्स सी। हेलो 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 गाइस, जो भी है नया देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए जरूर। एंड और ये रहा प्लेन जाता हुआ डोब्रा मेस्त्रो विला और गरोखा के बीच में, पोर्ट वोस्तो के बीच में, सीमेंट फैक्ट्री से निकलता हुआ पानी के अंदर। और यहाँ पे 19 टीम्स है, 66 बंदे हैं उतर रहे हैं वीकेंडी के मैप में। चलिए लेट्स सी, यहाँ पे अल्फा यस क्यों दिख रहा है, ऑलरेडी हॉट स्प्रिंग में बैठा है, ये ग्लिच हो गया इधर। और यहाँ पे उतर चुके हैं नंबर 17 एंड नंबर 6, यहाँ पे क्रिचेस की तरफ जा रहे हैं। JSR दोब्रो मेस्तो में रुक गए हैं, नंबर 22 फ्रैग फेड जो भी है, मोवात्रा शायद मोवात्रा तरफ जा रहे हैं। विला में कोई नहीं गया, वेरी इंटरेस्टिंग, विला में कोई भी हॉट ड्रॉप नहीं लिया अब तक। नंबर 21, नंबर 8, नंबर 10 कैसल की तरफ जा रहे हैं, शायद वेलनोवा की तरफ निकलने का सोच रहे हैं, देखते हैं। सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर नंबर 2 अल्फा वाली सीमेंट फैक्ट्री से निकलते हुए शायद हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं। यस यहाँ पे कैसल में रुक गया है शायद नंबर 10, यस नंबर 10 इज इन कैसल। एंड यहाँ पे वालनोवा जा रहे हैं नंबर 21, और 8 यहाँ पे रुक गए हैं बीच में, ना घर का ना घाट का, देखते हैं शायद छोटे छोटे घर लूटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल ऑफ द मैप के मिडिल में खाली, और ये बन गया जोन इज इनएविटेबल, देख सकते हैं आधा पानी में और राधा लैंड में जोन, ये तो हर दिन का हो गया यार। नंबर 3 के बंदे काफी डिस्टेंस में, यहाँ पे नंबर 19 एंड 6 देखते हैं, नंबर 19 एंड 6 उतर चुके हैं, थोड़ा स्प्रेड होके रखे हैं बंदे। यहाँ पे फाइट हो चुका है नंबर 17 के बीच में, 17 नॉक किया है शायद किसी को, शायद ख़त्म भी कर चुके। यस JSR के बंदा सिर्फ एक, JSR के सिर्फ एक बंदे आए हैं क्या, लेट्स सी। यस JSR का पंडा पांडा सिर्फ एक ही है, अकेले बंदे आए हैं अपनी JSR की टीम से। यहाँ पे पेस्कोबा में यहाँ पे 2 स्क्वाड उतर चुके हैं, नंबर 7 में ब्लीड एंड नंबर 4 में है KNF, देखते हैं क्या। और यहाँ पे जिक्स नॉक हो चुके हैं और डिक्स ख़त्म होते हैं सेडो ओपी के, KNF सेडो ओपी के द्वारा ख़त्म होते हैं जिक्स यहाँ पे। और जाट ने यहाँ पे नॉक किया है, और कहना बस मिक्स है स्नोमोक्स, क्या इसका नाम है, सॉक्स या क्या बोलूँ यार, नाम जो भी है। यहाँ पे जाट यहाँ पे नॉक पड़े हैं, इको स्मोक कर रहे हैं रिवाइव देने के लिए जाट। हिटलर यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे छोटे वाले घर में, देखते हैं कैनफ सेडो यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं इको को, स्प्रे दिए पर रिवर्स स्प्रे से सेडो ओपी ने उनको सप्रेस कर दिया है। हिटलर भी यहाँ पे स्पॉटेड है, शान यहाँ पे पीछे से आते हैं, यहाँ पे नेड देख सकते हैं स्माइट ने नेड किया है, देखते हैं इको क्या करते हैं, क्या इको क्या करते हैं देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से।
और यहाँ पे फाइट, यहाँ पे जार्ड कंप्लीट होते हुए, शैडो ने जार्ड को कंप्लीट किया है, इको को ऑफ गार्ड पकड़ लिया है इस माइट ने, एंड इको इज डाउन, एंड आई थिंक नंबर सेवन इज, यस एंड नंबर सेवन इज द फर्स्ट टीम टू गो, एंड ब्लीड इज ओवर हियर, ब्लीड एंड हो चुका है 24 और नंबर 13 शायद, यस नहीं नेट नंबर 13, यस नंबर 13 एंड 23, सॉरी 24 एंड 23 आर इन फाइट, देखते हैं 23, यस एनएक्सएस, टीम एनएक्सएस यहां पे फाइट ले रहा है नंबर 24 से, यहां पे नंबर 24 के एक बंदे लॉक पड़े हैं और यहां पे देख सकते हैं अपने फाइट यहां पे खत्म करते हुए नंबर 23 के पर्सियन लॉर्ड ने खत्म किया है 23 के स्क्वाड को, दोनों बंदों को ले लिया अकेले, ही इज ऑन 10 एचपी, एनटीडी कार्नेज ओपी ने एमबी मॉन्स्टर को लिया है इधर, यहां पे फाइट हो चुका है, लेट्स सी, यस नंबर 19 एंड नंबर 16 का फाइट हो चुका है इधर, देख सकते हैं यहां पे आरएल जर जो भी है यहां पे नॉक पड़े हैं उनके नंबर 13, नंबर सेकंड प्लेयर बंदे नॉक पड़े हैं, नंबर 19 के सेकंड प्लेयर नॉक पड़े हैं, यहाँ पर नेमेसिस शायद नॉक पड़े, नंबर 16 के साथ नेमेसिस भी नॉक पड़े हैं शायद, लेट्स सी, यस नेमेसिस यहाँ पे नॉक पड़े हैं, एंड गन्स एकेएम भी नॉक पड़े हैं इधर, देख सकते हैं आप काफी अर्ली फाइट देखने को मिल रहा है इधर, नेमेसिस ओपी को रिवाइव देने आ जाएंगे इधर कार्नेज ओपी, यस कार्नेज ओपी आ चुके हैं रिवाइव देने के लिए नेमेसिस ओपी को, यहाँ पे एकेएम यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं, गन्स एकेएम भी नॉक पड़े थे यहाँ पे 19 में, देख सकते हैं यहाँ पे TT9 के 60 69, काफ़ी नहीं क्लोज तो नहीं है फिर भी, लेट्स यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे, यस एम बी पी प्रेवल ने यहाँ पे आर एल जर को नॉक रिवाइव कर दिया, सॉरी नॉक कर दिया बोल रहा हूँ, रिवाइव कर दिया, एम बी पी ने ऑलरेडी अपने एक बंदा खो चुका है, देखते हैं यार डी मॉन्स्टर ने यहाँ पे ओजिस जेनो को नॉक किया, यहाँ पे किल फील्ड में जैसे हम देख सकते हैं इधर 19 और 16 में काफ़ी काफ़ी क्लोज फाइट है, काफ़ी क्लोज है ये, यस 19 ने कार्नेज ओपी है राइट से, थोड़ा राइट से पुश करने का फ्लैंक करने का सोचा, यस 19 के बंदे कार्नेज ओपी यहाँ पे राइट से आ चुके हैं, एम एस यहाँ पे ऊपर घर में होल्ड कर रहे हैं, गन्स एक एम नेमेसिस ओपी यहाँ पे नेड मार रहे हैं, एंड नेड से काफ़ी ओपी नेड था नेमेसिस का, एंड एम पी पी प्राबला, यस प्राबला, यस प्राबला यहाँ पर नॉक पड़े हैं नेड से, यहाँ पे लेट्स सी, नाइनटीन को देखते हैं क्या कर रहे हैं 19 के बंदे, प्रॉब्लम यहाँ पर नॉक रिवाइव हो जाएंगे, देखते हैं मार्कस यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पुश देख रहे हैं आप जैसे भी हो, यहाँ पे तभी प्रॉब्लम नॉक हो चुके हैं, आरएलजर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, मार्कस यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स सी, एंड यहाँ पे नंबर 16 डाउन करते हैं नंबर 23 को, ऑन ही इज आउट ऑफ द गेम नंबर 23, यहाँ पे फाइट देखने को मिल रहा है हमको शायद, नहीं फाइट नहीं है, खाली पिली का फाइट, गन फाइट ले रहे हैं ये लोग, खाली ड्रॉप आ चुका है एनएसएम के पास, यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप में क्या है, लेट्स सी ड्रॉप में क्या है, MK14 M249 एंड लेवल 3 के हेलमेट एंड वेस्ट, जो काफ़ी मदद करने वाला आपको आगे वाले गेम में, लेवल 3 के हेलमेट एंड वेस्ट, देखते हैं अभी इनको देखते देख चुके हैं, जैसे देख सकते हैं फर्स्ट जोन यहाँ पे क्लोजिंग है लग गया, एंड जोन के बाहर काफ़ी बंदे हैं, आपको जल्दी अभी से आपको रोटेशन शुरू कर देना चाहिए, आपको आप कस्टम में आप इतना टाइम तक आप होल्ड करके नहीं रख सकते, आपको रोटेशन जल्दी से लेना चाहिए पड़ेगा, आपको आपको आके घर होल्ड करना पड़ेगा, आपको बंदों का जोन काटना पड़ेगा, आपको काफ़ी कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आप जीतना चाहते हैं कस्टम में, सर्वाइव करना चाहते हैं, टॉप 3 तक जाना चाहते हैं, अगर आप होल्ड करके रहेंगे वो छोटे छोटे फाइट लेते रहेंगे जोन के बाहर, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, यहाँ पर नंबर 3 एंड नंबर 11 वेरी क्लोज टू ईच अदर, शायद फाइट हो सकता है पता नहीं, देर एस ओके वो लोग थोड़ा दूर भाग रहे हैं, नंबर 3 यहाँ पे, नंबर 3 देखते हैं क्या करते हैं, वो अभी फाइट ले रहे हैं यहाँ पे, फाइट ले रहे हैं, नहीं फाइट नहीं ले रहे हैं यार, लूट रहे हैं यहाँ पे कॉल माइन में, नंबर 11 कॉल माइन का बाहर लूट रहे हैं, लेट्स सी इनको अभी से जोन जाना चाहिए, इनको पता, इनको शायद पता है जोन ओनली क्लोजिंग हो चुका है, नंबर 2016 यहाँ पे फिर भी लूट, यहाँ पे गाड़ी ढूंढ रहे हैं, यस अभी निकलने चाहेंगे अभी, यस गाड़ी मिल चुका है उनको, एक स्नो मोबाइल मिल चुका है, यहाँ पे 16 का फाइट पता नहीं 16 किस पे फायर कर रहे हैं, रैंडम फायर दे रहे हैं,
16 के पास कोई है क्या? नहीं, 16 के पास कोई नहीं है. 11 एंड 13 है वेरी क्लोज टू इच अदर. यस देयर्स दे हैव स्पॉटेड इच अदर. यहाँ पे ओजी जेनो नॉक पड़ रहे हैं हॉक रे के स्प्रे से. ओजी जेनो यहाँ पे नॉक पड़े हैं. नंबर थ्री के देखते हैं, नंबर थ्री के बंदे स्पेक्टर रे से क्या करते हैं. ओके पॉक हॉक भी यहाँ पे नॉक पड़े हैं. यहाँ पे रिवाइव के लिए स्मोक फेंके जा रहे हैं. दो स्मोक आ चुके हैं उनके रिवाइव के लिए. 11 नंबर ठीक उनके पीछे हैं. 11 के बंदे यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं. जेनो यहाँ पे रिवाइव हो चुके हैं. यहाँ पे सैन, यहाँ पे कैनेफ, सैन ने यहाँ पे फोड़ दिया है किसी को, कैनेफ के सैन ने. और यहाँ पे जैगुआर देख सकते हैं वेरी लोन एचपी. यहाँ पे एक लॉक पड़े हैं नंबर टू. जैगुआर यहाँ पे स्प्रे दे रहे हैं, ऊपर से कवर दे रहे हैं अपने टीम को. पॉक हॉक को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, डिमोनशन रिवाइव दे चुका है उनको. लेट्स सी यहाँ पे स्मोक और देखते हैं यहाँ पे रे क्या करते. हॉक यहाँ पे उनके नंबर थ्री, नंबर 11 वर्सेस नंबर थ्री, वेरी क्लोज फाइट है. पर अभी जोन उनको टच करने वाला है. देखते हैं क्या जो फाइट को प्रायोरिटी देते हैं या जोन को प्रायोरिटी देते हैं. अगर उनके पास गाड़ी है तो उनको स्मोक करके अभी से निकलना चाहिए जोन का डैमेज ना लेते हुए. यहाँ पर पट्टू, यहाँ पे नॉक ट्रिपी, यहाँ पे पट्टू को ख़त्म कर रहे हैं MK14 से. नंबर 11 के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ थोड़ा क्लोज इन आने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स सी शायद ऑफ गार्ड. यस स्पॉट कर चुका है. और यहाँ पर ड्रैगन नॉक होते हैं. पॉल पॉक हॉक ड्रैगन को नॉक करते हैं. काफ़ी ओपी स्प्रे था हॉक का एंड हॉक ने दूसरे बंदों को नॉक किया है. एंड नंबर 11 इज डाउन टू वन मैन. देखते हैं रे क्या करते हैं अपने. यहाँ पर जोन क्लोज इन हो चुका है. लेट्स सी यहाँ पे क्या करते हैं. और यहाँ पे रे का पीक इन पीक आउट का स्प्रे. देखते हैं क्या ले सकते हैं जैगुआर को, क्या अपने बंदे को बचा सकते हैं. इस रिवाइव करेंगे बिल्कुल. वन मैन, टू मैन इज बेटर देन वन मैन. आपको रिवाइव करना चाहिए. नेक्स्ट कस्टम सी यू बॉय सिद्धा गैनीगर. यस ब्रो पक्का मिलते हैं नेक्स्ट कस्टम में आपको. यहाँ पर देख सकते हैं सब क्लोज इन कर रहे हैं जोन के अंदर. यहाँ पर नंबर 11 थ्री का फाइट हो रहा है. 16 यहाँ पर क्लोज इन कर चुका है जोन के अंदर. दो गाड़ी में चार बंदे पर क्लोज इन कर रहे हैं. लेट्स सी ये क्या करते हैं. यहाँ पे दो बंदे इनका रिवाइव, यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे. यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं जेनो, यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं. रिवाइव करना काफ़ी मुश्किल है. एंड यहाँ पे उजी का काफ़ी तगड़ा स्प्रे था. एंड जैगुआर यहाँ पे नॉक पड़े हैं. लेट्स सी क्या करते हैं अकेले बंदे रहे यार. और रे यहाँ पे वेरी लॉन एच पी. अपने आपको हील करना चाहेंगे रे. अब मैं दिखा रहा हूँ फाइट, काफ़ी क्लोज है फाइट इनका. आई नो यहाँ पे ड्रियो ने यहाँ पे अल्ट्रा को नॉक किया. प्लेजोन से मॉन्स्टर मर रहे हैं यहाँ पे. मॉन्स्टर नंबर थ्री, नंबर यस नंबर थ्री, 11 टीम के मॉन्स्टर यहाँ, नंबर थ्री के, यस नंबर थ्री के मॉन्स्टर यहाँ पे मर चुके हैं. फ्री फायर देते हुए ओजी का फ्री फायर देता आ गया है. लेट्स सी क्या करते हैं. टीपीपी चल रहा है इधर. देखते जोन के अंदर फाइट चल रहा है. यस 25 का नंबर का फाइट चल रहा है. लेट्स सी 25 नंबर का फाइट चल रहा है. थोड़ा इनका स्प्रे थोड़ा देख लेते हैं. इनका थर्ड काफ़ी इंटेंस फाइट हो रहा है इधर. चलिए देखते हैं इधर फाइट चल रहा है जो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं. एफटी जैगुआर यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं. और ये लूट लिए. देखते हैं क्या करते हैं यार. थोड़ा काफ़ी लंबा चल रहा है इनका फाइट. वन वर्सेस वन का फाइट चल रहा है. देखते हैं नेट क्या करते हैं. नेट काफ़ी दूर गिरा है इनसे. अब देख सकते हैं जोन में ऑलरेडी देखते हैं नो फाइट एंगेज इनसाइड द जोन. यहाँ पे 25 का फाइट हो चुका है. लेट्स सी. यस 25 का फाइट हो चुका है. नंबर 17 25 का फाइट चल रहा है. TT9 आउटलुक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं. नंबर 17 के बंदे रश कर रहे हैं बाहर से. नंबर 17 के बंदे काफ़ी दूर हैं. थोड़ा दो बंदे ऑलरेडी क्लोज इन कर चुके हैं. और यहाँ पे नेड देखते हैं क्या होता है. नेड क्या कनेक्ट करता है किसी को. और ये स्मोक था और ये नेड था. पर नेड से कोई नॉक नहीं हुआ. यहाँ पे दो बंदे नॉक पड़े हैं. आउटलुक एंड 69 यहाँ पे नॉक पड़े हैं. साइको जी यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं. साइको के लियो मास्क यहाँ पे पास आ चुके हैं. और फिलिप्स यहाँ पे नॉक पड़े हैं यहाँ से. और यहाँ पे प्रत्यूष जिंक्स ने TT9 के सीजर को नॉक किया है. प्रत्यूष को काफ़ी अच्छा गेम प्ले को दिखने मिला था. कल भी गेम प्ले दिखने को मिला था. एंड यहाँ पे TT9 के सिर्फ एक बंदा बच रहे हैं. लेट्स सी क्या करते हैं. और आई नो TT9 गोना एंड वेरी सून. एंड TT9 यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं. नेक्स्ट लेवल चूत.
एंड 17 के बंदे यहाँ पे टीटी 9 को खत्म कर रहे हैं, एंड उनके दो बंदों को रिवाइव मिल चुका है। यस एंड दे इधर खत्म हो चुके हैं टीटी 9 यहाँ पे नंबर 13 में। स्क्रीमा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल चूतिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं नहीं पता, लेट्स सी। यहाँ पे पॉकहॉक यहाँ पे खत्म कर चुके 11 के बंदे को स्प्रे, तो हमने देख नहीं पाए, काफी लंबा चला इनका फाइट। यहाँ पे नंबर 11 को खत्म करके निकल रहे हैं, शायद उनके पास गाड़ी नहीं है, उन जोन में आना चाहते हैं अभी, लेट्स सी। यहाँ पे ड्रॉप के पास अल्फा के, यहाँ पे अल्फा के स्क्वाड यहाँ पे ड्रॉप के पास है। लेट्स सी ये क्या होता है। अभी 12 टीम्स बचे एलआई 40 जोन, काफी बड़ा यहाँ पे फाइट हो चुका है। लेट्स सी एक्लिप्स यहाँ पे नॉक पड़ चुके हैं, एलियो लियो एक्लिप्स यहाँ पे नॉक पड़ा है, नंबर 4 के साथ फाइट चल रहा है इनका, कहने वर्सेस फाइट चल रहा है, कहना तो कुछ कर रहे हैं। स्माइट के लियो एक्लिप्स को खत्म किया यहाँ पे मोली से, साइको जी यहाँ पे नॉक पड़े हैं, साइको जी यहाँ पे नॉक पड़े हैं। एंड यहाँ पे कह रहे सॉक्स ने यहाँ पे प्रत्युष को खत्म कर, साइको जी को खत्म कर दिया है, नॉट प्रत्युष सॉरी, साइको जो खत्म करके यहाँ खत्म किया इनको, एंड उन्होंने अपने लिए और एक स्क्वाड क्लियर कर लिया है। एंड दे आर डाउन टू 6 to 8 9 10 किल्स, इन्होंने दो स्क्वाड बैक टू बैक खत्म किया है। एंड लीड बोर्ड में शायद, यस लीड बोर्ड में ये लीड कर रहे हैं विथ 10 किल्स। लेट्स सी यहाँ पे फाइट, यहाँ पे नंबर 5 का जेएसआर का फाइट चल रहा है इधर, नहीं फाइट नहीं चल रहा इधर सॉरी, ये लोग असली डांस दिखा रहे हैं वेजिटा यहाँ पे हेड आउट को। यहाँ पे देख सकते हैं काफी फार अपार्ट है सब बंदे जोन में, जोन से थोड़ा कोई फाइट लेना नहीं चाह रहे अभी स्टार्टिंग में, अभी जोन थोड़ा बहुत बड़ा है जोन। नंबर 3 यहाँ पे सब चल चल के भाग भाग के आ रहे हैं शायद, यस बिल्कुल, इनसे इनका बहुत दुखद मामला चल रहा है, ये भाग भाग के जोन में आ रहे हैं, बहुत दूर है जोन के ये। लेट्स सी क्या सर्वाइव कर पाएंगे, अगर उन पर हीलिंग है तो काफ़ी सर्वाइव करना मुश्किल नहीं है, पर स्टिल देन यस जोन था काफ़ी क्लोज है, ब्लू जोन के पास क्लोज है बहुत, रियल जोन जो है ब्लू जोन से काफ़ी क्लोज है, देखते हैं क्या चल चल के पहुँच पाते हैं। सर्वाइवर नंबर 3 के पॉक हॉक यहाँ पे अपने तीनों बंदे को खो चुका है, पर 11 के एक बंदे को ख़त्म करके अपने अपने टीम को थोड़ा ऊपर लाने को कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कौन यहाँ पे फाइट एंगेज करता है। लेट्स सी यहाँ पे इंसेन यहाँ पे वालनोवा होल्ड करता हुआ, इंसेन के सामने है नंबर 2, अल्फा का स्क्वाड है नंबर इंसेन के सामने, काफ़ी क्लोज है नंबर V4 एंड अल्फा का स्क्वाड। लेट्स सी जगह बहुत बड़ा है, घर बहुत सारे हैं, यहाँ पे फाइट होना इतना आसान नहीं है, देखते हैं। यहाँ पे टीडी यहाँ पे शायद होल्ड कर रहा है, यस दे आर होल्डिंग द हाउस जोन के पूरा पास में होल्ड कर रहे हैं, इधर गोभी खोद दूंगा, देखते हैं क्या क्या। कल वो एक मैच में MVP बने थे, गोभी खोद दूंगा लास्ट मैच में, ही वॉज द MVP विद द 4 किल्स, आज उन्होंने किल नहीं ले पाए। यस उनका सिर्फ अल्ट्रा ने सिर्फ एक ही किल लिया है अब तक। चलिए लीड बोर्ड में देखते हैं कौन किसका किल कितना है, अल्फा विद 0 किल्स, पॉक हॉक यहाँ पे 2 किल के साथ, KNF यहाँ पे 10 किल्स के साथ, JSR 0 किल्स, NYSM 1 किल के साथ, टीम V4 1 इंसेंट सिर्फ अकेले बचे हैं नंबर 10 के। आप देख सकते हैं सबके लगभग 0-0 किल्स हैं, 1 किल 0 किल, यहाँ पे टीम पुणे यहाँ पे 3 किल्स निकालता हुआ। लेट्स सी क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर 3 पॉक हॉक काफ़ी पास आ चुके हैं, विला पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, चलिए इनको दाद देना पड़ेगा, इनको सबासी देना पड़ेगा, इनको बहुत दूर से आए हैं चल चल के, जोन भी काफ़ी, यस जोन इन विल बी स्टार्टिंग इन 3.321 एंड जोन, ये जोन ज़्यादा डैमेज देने वाला है, देखते हैं क्या करते हैं। पॉक हॉक यहाँ पे, पॉक हॉक बिल्कुल दो भागे जा रहे हैं, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे पॉक हॉक, भाग मिल्खा भाग, पाक हॉक भाग, भाग हॉक भाग, चलते हैं तोवर तक पहुँचना है आपको जल्द, चलिए हम सब आपके साथ हैं, जल्दी दौड़िए दौड़िए, दौड़ के पहुंचिए आप अपने टीम को आगे लेके जाइए। यहाँ पे फाइट शायद नहीं, फाइट नहीं, ये खाली पीली स्प्रे दे रहे कहने वाले भाई, नेक्स्ट कस्टम एरेंगल रखो यहाँ पे, नेक्स्ट कस्टम पता नहीं, आप मॉडरेटर से पूछ, आप जान लीजिए डिस्कॉर्ड में नेक्स्ट मैच क्या है, नेक्स्ट मैच क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैप है डोरा, नेक्स्ट मैप क्या है। यहाँ पर 10 का फाइट हो चुका है शायद, यस 10 का फाइट हो चुका है, यहाँ पे V4 इंसेन यहाँ पे नॉक किया, अल्फा फ्रॉस्ट को नॉक किया है,
अच्छा फोर, नंबर 10 में यहाँ पे पुश कर चुका है नंबर 4 पे, अल्फा यहाँ पे नॉक पड़े, लेट्स सी वन वर्सेस, एंड यहाँ पे 3 वन वर्सेस 3 कर चुका है टीम V4 इनसे, यहाँ पे अकेले बंदे वन वर्सेस 3 कर चुका है, लेट्स सी क्या वो क्लच कर पाएंगे, लेट्स सी लास्ट बंदे बच रहे हैं आगे, एंड उन्होंने यहाँ पे स्क्वाड वाइप कर दिया है। चैट में टीम V4 1 इनसे, चैट में #V4 1, काफी ओपी गेम प्ले, एंड सही टाइम में हमने इनको स्पेक्टेड किया है। टीम V4 इनसे ने यहाँ पे 1 vs 4 क्लच कर दिया है, ओपी ओपी ओपी, काफी ओपी था ये, एंड ये हमको देखने को मौका मिला, हम यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं अलग में यहाँ पे, पर हमको मौका मिल गया देखने को काफी। डोरा देख रहे हो आपने 1 vs 4 इनका, हाँ जी बहुत सही कह बिल्कुल रहे, देखा। बहुत बहुत नाइस, वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। नंबर 4 यहाँ पे गलती क्या, नंबर 4 का टीम था अल्फा, सॉरी नंबर 3 था शायद, नंबर 4 या 3 था, 3 नहीं कौन सा था, अल्फा का टीम था यस। उनको यहाँ पे अलग अलग रश नहीं करना था उनको, एंड थोड़ा एंगल बना के देखना था, अकेले बंदे थे, चलिए होता है ये, गलती तो होता है, सबसे होता है गलती। लेट्स सी यहाँ पे जोन क्लोजिंग कर रहे हैं नंबर 16, यहाँ पर जोन क्लोजिंग कर रहे हैं 16, यहाँ पे काफ़ी दूर है जोन से, यहाँ पे 8 8 यहाँ पे क्लोजिंग कर चुका है 8, नंबर 5 उनसे जे एस आर ठीक पीछे उनके, घूम के क्लोजिंग कर रहा है बिल्कुल, उनसे फाइट नहीं लेने का सोच रहे हैं, दूरी बना के रखे हैं और क्लोजिंग कर रहे हैं जोन, काफ़ी अफर स्ट्रेटेजी है ये। और यहाँ पे फाइट हो चुका नहीं, 18 का फाइट कोई भी नहीं है यहाँ पे, फाइट 18 में पास कोई नहीं है, वह पुणे वाले होल्ड कर रहे हैं वेलनोबा के पीछे, जो जो ब्रिज के पार है, जो छोटे छोटे कंपाउंड वहाँ पे होल्ड करके रखे हैं, शायद आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे जोन के अंदर, उनको लग रहा है कि कोई है शायद, उनको शायद ईवो को देख लिया है शायद ईवो को, और यहाँ पे पंच मार हेलो रहे हैं। मी मी इट्स मी मार्टिन। ये अपने नहीं आप नहीं आपको बोल रहे हैं लाइव से। स्ट्रीमिंग। ओके यहाँ पे फाइट हो चुका है क्या, यस नंबर 4 एंड नंबर 22 का फाइट हो चुका है इधर, नंबर 4 एंड नंबर 22 वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेट्स सी क्या है ना वर्सेस फेड, यहाँ पे फाइट हो सकता है, काफी क्लोज है नंबर फेड यहाँ पे, यस यार नंबर 10 भी ऑलरेडी है इधर शायद, V4 इंसेन ना, V4 इंसेन काफी दूर है, नंबर 4 वर्सेस नंबर 22 चल रहा है जो फाइट यहाँ पे, लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पे, फ्रैग जैकोब यहाँ पे ग्रोजा लेके पकड़े हैं, इनसे तो बच के रहना भाई, नंबर 2 भाई यहाँ पे, नंबर 4 यहाँ पे बच के रहना इनको, और कैनप स्माइट ने यहाँ पे नॉक कर चुके, कैनप के स्माइट ने यहाँ पे नॉक कर चुका है, स्माइट यहाँ पे काफी ओपी खेलते हुए 6 किल्स निकाल के रखे हैं, वेनम यहाँ पे एक नॉक पड़े हैं, एंड यहाँ स्पॉट कर चुके थे इनको, स्पॉट कर लिए थे पर काफी क्लोज था स्प्रे उनका, यहाँ पे शैडो भी नॉक पड़े हैं, इनको रिवाइव देंगे स्माइट ने, स्माइट यहाँ पे 6 किल निकाल चुका है अपने टीम के लिए, वन सो टीम अल्फा स्टॉर्म, अल्फा स्टॉर्म इज गॉन ब्रो, 1 vs 4 हो गए वो, नंबर 10 के इनसे ने उनका 1 vs 4 कर दिया, यहाँ पे जेकोब ने सेडो, मैंने जैसे बोला था आपको बच के रहना चाहिए, उनके पास ग्रोजा है, ग्रोजा है उनके पास, और इन्होंने नॉक कर दिया है सेडो ओपी को, सेडो ओपी का बचना थोड़ा मुश्किल है शायद, यस सेडो ओपी को बचना थोड़ा मुश्किल है पर लेट्स सी, नहीं कवर में आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे मौली का बौछार चल रहा है, पूरा आग आग लगा देंगे शायद घर में, सोच रहे हैं जैकोब यहाँ पे नॉक पड़े हैं शायद, फ्रैग जैकोब यस यहाँ पे नॉक पड़े हैं, मोली काफ़ी क्लोज था, अगर हिट होता तो यहाँ पे जैकोब का बचना बहुत मुश्किल होता यहाँ पे, मोली अगर हिट करता थोड़ा, स्माइट यहाँ पे मोली फेंके जा रहे हैं, लेट्स सी क्या करते हैं, स्मोक यहाँ पे स्मोक कर चुके हैं नंबर 22 के स्क्वाड यहाँ पे स्मोक कर चुके हैं, फेड यहाँ पे पूरा स्मोक कर चुका है, 10 यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए, नंबर V4 इंसेंट काफी क्लोज आ चुका है पीछे से, यहाँ पे पुणे ऋषि ने टीडी कार ने जो भी को नॉक किया है, पुणे वांटेड ने गुंजम एकम को नॉक किया है, लेट्स सी क्या कहने यहाँ पे पुश करेंगे, लेट्स क्या बता हमको, शायद पुश कर सकते हैं अंदर, फेड यहाँ पे और फेड को यहाँ पे कहने स्माइट ने यहाँ पे नॉक कर दिया है ऑलरेडी, स्ट्रेंज यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, हिटमैन यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, जेकोब यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, लेट्स सी क्या करते हैं केएनएफ के बंदे, एंड वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, हाथ लग गया, एंड यहाँ पे फेड के हिटमैन यहाँ पे नॉक पड़े हैं, रॉबिन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, केएनएफ के यहाँ पे 2 बंदे नॉक पड़े हैं, रिवाइव शायद रिवाइव मिल जाएगा उनको, रिवाइव
देखते हैं। स्माइट यहाँ पे बैठे रिवाइव दे रहे हैं, सैडो ओपी यहाँ पे पीछे से घूम के आ रहे हैं, सैन यहाँ पे नॉक पड़े हैं, लेट्स सी क्या करते हैं। सेओक्स एंड नॉक सैन यहाँ पे नॉक पड़े हैं, नंबर 10 यहाँ पे पास में आ चुका है ऑलरेडी, नंबर 10 यहाँ पे स्प्रे दे रहे थे शायद, यस नंबर 10 यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं, थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उनको वेट करना चाहिए थोड़ा फाइट के लिए। यहाँ पे मोली चल रहा है, अभी सैन यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे इजीली, के एन एफ सैन यहाँ पे इजीली रिवाइव हो गए, यस देर आर नो लॉसेस फ्रॉम के एन एफ। देखते हैं यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 22 यहाँ पे एक बंदे लॉस्ट कर चुका है आपको, रविन यहाँ पे पिकअप हो चुके हैं। मोली यार काफ़ी क्लोज पड़ रहा है पर कनेक्ट नहीं हो रहा किसी के साथ, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंड के एन एफ यहाँ पे स्माइट आके यहाँ पे नॉक कर रहे हैं वेनम हिटमैन को, देख सकते हैं काफ़ी ओपी गेम, अप डाउन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे स्माइट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं जेकोब के द्वारा, जेकोब ने वहाँ पे नॉक किया है उनको ग्रोजा से, देखते हैं क्या होता है, क्या जेकोब यहाँ पे ऊपर जाएंगे एंड ये यहाँ पे नॉक करते हैं जेकोब फिर से, और एक बंदे को यहाँ पे शैडो ओपी यहाँ पे ख़त्म किए, शैडो ओपी यहाँ पे डाउन, शैडो ओपी डाउन हो चुके हैं, फिर स्ट्रेंज ने डाउन किया शैडो ओपी को। एम टीम V4 यहाँ पे डाउन हो चुका है, नंबर कैन अपने डाउन कर दिया है फेड को, यहाँ पे अपने दो सब बंदे को बचा लिया है, नंबर 10 वहाँ पे काफ़ी थोड़ा पास में है पर थर्ड पार्टी का के लिए थोड़ा वेट कर रहे थे। नंबर 18 इज़ वेरी क्लोज नाउ, नंबर 18 ईवो यहाँ पे आ चुका है जोन काटने के लिए उनका, यहाँ पे फाइट चल रहा है नंबर 24 का, यस पुणे यहाँ पे फाइट ले रहा है, थोड़ा लॉन्ग रेंज फाइट ले रहा है पुणे, यहाँ पे शायद ख़त्म कर दे पुणे के बंदे ने, यस यहाँ पे ट्रिपी ने यहाँ पे JSR को नॉक किया है, NOSM फाइट चल रहा है, JSR का यहाँ पर डाउन है चुके हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं नंबर 8 ने ख़त्म किया है JSR को, यहाँ पे सब JSR पूरा JSR इज ऑल डाउन एंड यहाँ पे अल्ट्रा नॉक हो हुए थे पर यह ख़त्म हो चुके हैं। एरियल व्यूज दिखाने से ना आपको पता चलता है कि कौन बंदा कहाँ से मार रहा है, आपको एक एक सिंगल पर्सपेक्टिव से नहीं दिखा सकता पर जैसे बंदों ने बोला कि सिंगल पर्सपेक्टिव से दिखाइए तो आज हम सिंगल पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 6 टीम्स यहाँ पे अलाइव 20 है ऑलरेडी जोन, नंबर 8 यहाँ पे नंबर 18 का फाइट चल रहा है शायद, यस M4 नारुतो M4 और AKM से स्प्रे दे रहे हैं, गाड़ी फोड़ने का कोशिश कर रहे हैं उनका नंबर 8 का, हालांकि नंबर 4 यहाँ पे पास में, नंबर 4 नंबर 8 का फाइट हो सकता है, यहाँ पे सैडो को पकड़ लिया, ऑफ गार्ड पकड़ लिया यहाँ पर काफ़ी ओपी स्प्रे था सॉक्स ने, यहाँ पे नारुतो को डाउन कर दिया है, काफ़ी एंगल था नारुतो के पास, यहाँ पे विकी वाइटी ने नॉक किया है, सैडो ओपी को नॉक किया है विकी वाइटी ने, यहाँ पे सैन को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे स्मोक करते हुए कैनएफ, सैडो ओपी को स्मोक करते हुए सॉक्स के, इधर कैन ऑफ स्माइट यहाँ पे बचे हैं, जोन यहाँ से क्लोज इन हो चुका है पर सब के सब जोन के अंदर है, लेट्स सी क्या करते हैं। नारुतो यहाँ पे नॉक पड़े हैं, विकी वाइटी हैं, नारुतो एंड टेक्नो यहाँ पे नॉक पड़े हैं, लेट्स सी क्या करते हैं, 2 vs 3 का सिचुएशन है यहाँ पे, सैडो ओपी यहाँ पे पीछे आ गए, रिवाइव मिल जाएगा उनको शायद, यस रिवाइव मिल जाएगा उनको नारुतो को, यहाँ पे पिकी वाइट को पीछे जाकर नारुतो को रिवाइव देना चाहिए, यस ऋषि यहाँ पे रिवाइव दे चुके हैं उनको टेक्नो को एंड यहाँ पे नारुतो के लिए रिवाइव करने आ चुके हैं, इधर या वहाँ पे JSR का फाइट चलता हुआ, लेट्स सी JSR का, सॉरी NYSM का, JSR तो खत्म हो चुके हैं, 24 यहाँ पे जोन के लिए पास में आ चुके हैं, यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है इनका, 24 नंबर 8 का फाइट चल रहा है, 24 इज आउट ऑफ जोन है, नंबर 18 इज इन जोन, 1 टीम अल्फा स्टॉर्म भाई, अल्फा स्टॉर्म इज ऑलरेडी आउट ब्रो, देख सकते 24 का भी जोन क्लोज इन करना चाहिए, आगे वाले पत्थर पे जाके गाड़ी ठोकना चाहिए, उनको कवर बनाना चाहिए वहाँ पे, मुझे इतना लगता है। यहाँ पे फाइट चल रहा है 18 और 4 का, देखते हैं फाइट, काफ़ी क्लोज फाइट चल रहा है, सॉक्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, सॉक्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे एंड काफ़ी ओपी स्प्रे था ऋषि को नहीं लगा पर यहाँ पे स्माइट वहाँ से लेफ्ट राइट स्प्रे मार रहे हैं, शैडो ओपी सामने ही है उनके, लेट्स सी अब क्या करते हैं, शैडो ओपी यहाँ से ऊपर से जंप करते हैं, वॉल्ट करके आने के सोच रहे थे एंड यहाँ पे शैडो ओपी डाउन हो चुके, स्माइट बचे हैं उनके टीम से अकेले, लेट्स सी स्माइट क्या करते हैं, 1 vs 4 का सिचुएशन है इधर, नारुतो यहाँ पे शैडो ओपी यहाँ पे नॉक पड़े हैं, खत्म हो जाएंगे, बहुत मुश्किल रिवाइव मिलना उनको, बहुत दूर है उनका, एक ही बंदा बचे कैन एफ स्माइट यहाँ पे, ट्रिपी यहाँ पे नॉक करते हैं पुणे वार्ड को, पुणे वांटेड को एंड कैन एफ इज डाउन, एंड कैन एफ इज डाउन, ईवो ने अपने बचा लिया अपने बंदे को, ईवो यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नो यहाँ पे भाग के जा रहे हैं जोन के अंदर, जोन इज ऑलरेडी क्लोजिंग,
लेट्स सी क्या होता है। नंबर फोर टीम्स अलाइव एंड 10 टीम्स, सॉरी 4 टीम्स अलाइव 10 बंदे अलाइव हैं यहाँ पे। देखते हैं इन पर यहाँ पे फाइट चल रहा है थोड़ा ऊपर से, आपको रियल व्यू दिखा सकते। अभी आपको पर्सपेक्टिव दिखाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, एक एक बंदा का पर्सपेक्टिव दिखाएंगे तो हम बाकी को फाइट मिस कर देंगे। लेट्स सी यहाँ पे देख सकते हैं NYSM यहाँ पे स्मोक करके होल्ड कर रहा है, नंबर 8 के यहाँ पे होल्ड करके रखा है। 4 vs 4 vs 2 का सिचुएशन है। यस नहीं नंबर 21 का, सॉरी 4 vs 4 vs 1 vs 1 चल रहा है। NYSM के चार बंदे अलाइव है यहाँ पे, इवो का चार बंदे अलाइव है, टीम वो V41 इनसेन अकेले बंदे अलाइव है। काफ़ी काबिले तारीफ खेले हैं नंबर 21 के रेड री ओरियो, सॉरी यस री ओरियो यहाँ पे बचे हैं। री ओरियो यहाँ पे काफ पूरा एजेस होल्ड करके रखे हैं, पूरा पूरा घास में सांप के जैसे लेटे पड़े हैं बिल्कुल। देखता देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कब डसते हैं नंबर 21, नंबर 21 का सांप कब डसते हैं। लेट्स सी यहाँ पे फाइट हो चुका है नंबर 8 का, यहाँ पे देखते हैं फाइट स्प्रे चल रहा है इधर इनका। नंबर 8 यहाँ पे होल्ड करके रखा है एक एक जोन का एक एज, यहाँ पे ईवो आ रहा है जोन के अंदर। ईवो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या होता है, आप देख सकते हैं ईवो इज आउट ऑफ जोन, जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है एंड ईवो आ चुका है जोन के अंदर। छोटा विकी वाइटी ने छोटा सेक जो था जोन के अंदर वो होल्ड किया है। टीम वो V41 इंसन काफ़ी क्लोज है, शायद स्पेट शायद कर लिए हैं इंसन यहाँ उसके पीछे। देख सकते हैं यहाँ पे V41 इंसन गोभी खोद दूंगा ने खोद दिया इंसन को, यहाँ पे ठीक उनके पीछे है ओरियो यहाँ पे लेटे पड़े हैं। शायद खोज गोभी खोद दूंगा को पता नहीं कि लेफ्ट साइड में एक बंदा ऑलरेडी प्रोन होकर पड़ा है। लेट्स सी 3 टीम्स अलाइव एंड 4 वर्सेस 4 वर्सेस 1 का सिचुएशन है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे विकी वाइट ने गोभी खोदूंगा को नॉक किया है, गोभी खोदूंगा पीछे थे पत्थर के पीछे थे फिर भी उनको एंगल मिला के विकी वाइट ने नॉक कर दिया उनको। ओरियो को यहाँ पे दोनों बंदे ओरियो यहाँ पे शायद थर्ड पार्टी करने का सोच सकते हैं, गोभी खोदूंगा राइट में नॉक पड़े हैं। नंबर 21 इधर थर्ड पार्टी कर सकते थे, यहाँ पे वो विकी वाइटी फिर से नॉक हुआ, अल्ट्रा का अल्ट्रा नॉक करें उनको। यहाँ पर देख सकते कवर बना दिया गाड़ी का नारू, इवो के टीम ने कवर बना दिया गाड़ी का, पर इवो इज इन द जोन, यहाँ पर नंबर 8 जोन में नहीं है, ओरियो यहाँ पर जोन में है। ओरियो को यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी करना चाहिए, अगर थोड़ा किल निकालने का सोच रहे हैं तो उनको करना चाहिए, क्योंकि नंबर 8 को पता नहीं कि नंबर 21 का बंदा वहाँ पर लेटा पड़ा है। नंबर 8 इज क्लोजिंग, NYSM इज क्लोजिंग, उनके बंदे को पास आ रहे हैं, दो पत्थर है उनके पास एंड 8 शायद जोन के बाहर ही है। एंड यहाँ पे ट्रिपी ने विकी वाइटी को नॉक किया है MK14 के ऑटो स्प्रे से। एंड यहाँ पे रिसी ओपी यहाँ पे स्प्रे देने पर किसी को कनेक्ट नहीं हुआ। लेट्स सी यहाँ पे स्मोक देख सकते हैं कितना स्मोक हो सकता है, यहाँ पे ओरियो यहाँ पे पीछे है। लेट्स सी क्या वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं, बैक वाइट बिल्कुल कर सकते हैं, बैक पिच वाइट बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स सी क्या वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगे, पता नहीं, वो बिल्कुल शांति से लेटे पड़े हैं, किसी को खुन्नस तक नहीं दे रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, कोई खुन्नस नहीं है उनमें कि मुझे फाइट लेना है, वो अपने लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। उनको थर्ड थर्ड पार्टी करना चाहिए, यहाँ पे पूरा आराम से लेटे हैं। देख सकते हैं जोन के आधा पैर जोन के बाहर रखे और आधा बॉडी जोन के अंदर रखे। लेट्स सी अल्ट्रा यहाँ पे काफ़ी क्लोज है नंबर 21 से और यहाँ पे गाड़ी फोड़ के कवर बना दिए हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे ओरियो ने बैकफायर किया है एंड यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ओरियो यहाँ पे अल्ट्रा को शायद। एंड यहाँ पे देख सकते हो ओरियो ने दो बंदों को डाउन कर दिया है एंड क्लियर कंफर्म करेंगे शायद। एंड यहाँ पे ओरियो इज डाउन, रिसी ओपी ने उनको ले लिया है, उनको स्पोर्ट कर लिया था। एंड ट्रिप यहाँ पे नॉक पड़े हैं विक्री वाइटी ने, इवो यहाँ पर नारूटो भी नॉक पड़े हैं, वो भी खो दूंगा, देखते हैं क्या करता है अकेले। इवो यहाँ पर 1 vs 4 का सिचुएशन है, गोभी खोद दूंगा यहाँ पे देख सकते हैं, काफी ओपी गेम प्ले बाय गोभी खोद दूंगा, बट इन द एंड एंड ईवो ने चिकन डिनर निकाल लिया है क्योंकि उनके पास ज्यादा बंदे थे एंड दे हैड मच मोर एडवांटेज ऑफ द जोन, उनपे जोन था, जोन क्लोजिंग नहीं हुआ था उनपे, उनके पास कवर था। एंड आप देख सकते हैं बाकी के रिजल्ट आपके स्क्रीन पे, ईवो यहाँ पे चिकन डिनर निकालता हुआ 7 किल के साथ, NYSM यहाँ पे सेकंड स्पॉट में आए 11 किल के साथ। आरी के ओरियो ने काफ़ी अच्छा लाया है, नंबर 3 तक लेके आए अपने स्क्वाड को, उन्होंने थर्ड पोजीशन एक्वायर किया है 3 किल के साथ। एंड टीम V4 यहाँ पे 4 किल के साथ नंबर 4th में आए। KNF यहाँ पे काफ़ी तगड़ा किल निकालता, पूरा डोमिनेट करके रखे थे उन्होंने 8, 9, 10, 11, 12 एंड 14 किल के साथ। एंड आई थिंक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच इज गोज टू KNF स्माइट, काफ़ी तगड़ा स्प्रे था उनका, काफ़ी प्रभाव उनको बहुत ज़्यादा था।
इन मैच के अंदर बिल्कुल सप्रेस करके रखे थे एनिमीज को M43X के साथ। पुणे यहाँ पे सिक्स पोजीशन एक्वायर करता है शायद 4, 5, 6, 7 किल के साथ। पुणे जे एस आर यहाँ पे 7th पोजीशन लेता है 0 किल के साथ। एंड का बाकी का आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन अपने धीरे धीरे ले रहे हो, आप प्लीज़ पोज करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको आधा घंटे मिलते हैं, तब तक टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में।